मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि उनके विधायकों को बीजेपी की तरफ से फोन कॉल्स किए जा रहे हैं और उन्हें पैसों का लालच दिया जा रहा है। कमलनाथ ने कहा कि ऐसे करीब 10 फोन कॉल्स अब तक रिसीव हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम से ठीक पहले देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के कांग्रेस सरकार के अल्पमत में होने के दावे पर कमलनाथ ने बीजेपी पर नया और काफी गंभीर आरोप लगाया है कि भगवा पार्टी उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि कम से कम 10 विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बात मंगलवार को कांग्रेस विधायक और लोकसभा उम्मीदवारों के बीच हुई बैठक के बाद भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए बताई। कमलनाथ ने चिंता जताते हुए कहा कि उनके विधायकों ने उन्हें बताया कि उन्हें फोन आ रहे हैं और पैसे तथा पद का प्रलोभन दिया जा रहा है। मैं इन विधायकों के नाम का खुलासा भी कर सकता हूँ। बहुमत के लिए कह रही है बीजेपी और आज आपके उम्मीदवारों से भी चर्चा हुई है, क्या फीडबैक मिला है? कोई फीडबैक की आवश्यकता नहीं मुझे, मुझे कांग्रेस के विधायकों पर पूरा विश्वास है। मुझे कम से कम 10 विधायकों ने अभी कहा कि हमें ऐसे फोन आ रहे हैं, पैसा का प्रलोभन दे रहे हैं, ऐसे पद का प्रलोभन दे रहे हैं। ये तो सब, अगर मैं नाम लूं तो आप नीचे चले जाइए, उनसे खुद ही पूछ लीजिए। उधर बीजेपी ने सीएम कमलनाथ के आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले ये कमलनाथ की हताशा को दर्शाता है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करती है। सिर्फ कमलनाथ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में खाद्यान्न और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस के विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। दरअसल बीजेपी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी लिखकर राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करने की बात कही है। कमलनाथ सरकार ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार बेहद मजबूत है। कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार बहुमत साबित करने के लिए तैयार है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। गौरतलब है कि साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शिवराज सरकार को शिकस्त देकर सत्ता हासिल की थी। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 114, बीजेपी को 109, बहुजन समाज पार्टी को 2, समाजवादी पार्टी को 1 और निर्दलियों को 4 सीट पर जीत मिली थी। बीएसपी और अन्य निर्दलीय विधायकों ने कमलनाथ सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया था। चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल और इस सियासी घमासान ने कांग्रेसी खेमे में हलचल जरूर पैदा कर दी है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज़।